हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैजिकल हेयर ऑयल की ऐसी रेमेडी जिसे लगाने के बाद आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है कलौंजी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कलौंजी ली है। ये दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। और ये हमारा अगला इंग्रेडिएंट है कपूर। और ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अनियन। और ये है हमारे हिबिस्कस। हिबिस्कस के भी काफ़ी अच्छे फायदे होते हैं हमारे हेयर्स पे, तो मैंने इसमें हिबिस्कस भी लिया है। और ये हमारा अगला इंग्रेडिएंट है लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये भी काफ़ी अच्छा रहता है हेयर्स के लिए। और ये हमारी करी लीव्स। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं हेयर की ग्रोथ के लिए। और ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल, ये हमारे ऑयल का बेस रहेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं रेमेडी को तैयार करने की तरफ। ये सभी इंग्रेडिएंट को लेते हैं और सबसे पहले डालेंगे 1 बाउल कोकोनट ऑयल। लो हीट पे हमने इसमें ऐड किया है मेथी सीड्स और कलौंजी सीड। हीट की फ्लेम को लो रखेंगे और धीरे धीरे से इसमें इसके गुडनेस को इन्फ्यूज़ होने देंगे। अब ऐड करेंगे अनियन और ये हमारे करी पत्ता, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे इनकी गुडनेस को इन्फ्यूज़ होने देंगे ऑयल के अंदर। फ्लेम को लो रखेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इसे तब तक के पकाएंगे जब तक के इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस ध्यान रखना है, इसको चलाते रहेंगे और हीट की फ्लेम को लो पे रखेंगे ताकि अच्छे से इसकी गुडनेस हमारे ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए। अब हम इसमें अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि हिबिस्कस है वो भी ऐड करेंगे, इससे काफ़ी अच्छी शाइन आएगी हेयर में। इनको भी अच्छे से पकाना है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में। अब इसमें मैंने एक कपूर की टिकिया भी ऐड कर दी है। कपूर भी काफ़ी अच्छा रहता है हेयर्स के लिए, एंटी फंगल एंटी डैंड्रफ का काम करेगा। इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हीट की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लौंग। लौंग लौंग ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से चलाएंगे। लौंग भी हमारा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल की तरीके से काम करेगा, इस हेयर ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, तो इसे भी मैंने ऐड कर दिया। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। एक बात का आप ध्यान रखिए को आपको लो पे ही रखना है, अगर आप इसे टेस्ट कर देंगे तो इसकी सारी गुडनेस खराब हो जाएगी और ये हमारा सारे इंग्रीडियंट जल जाएंगे तो आपका ऑयल अच्छा नहीं बनेगा। तो ये आपकी टिप है कि आप लो फ्लेम पे ही इन सभी इंग्रीडियंट्स को फ्राई करें। तभी देखिए आप धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा। इसी तरीके से चलाते हुए दूसरा आपको थोड़ा सा ऑयल सर, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका ऑयल अच्छा है। अभी पिछला है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ब्राउन शेड कलर आ गया है मगर अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका कलर चेंज हो गया है, सभी टेस्ट हो रहे हैं हमारे इंग्रेडिएंट। अब आपको डालना है अपना कैस्टर ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब, आप इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। ठीक
धीरे धीरे बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इतना फ्राई करना था, हमारा ऑयल लगभग रेडी हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बस बंद ही कर देंगे। आप देख लीजिए इतना ही इसको पका लीजिए। अब आप देख ही रहे होंगे कि हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया पहले से। जो बाकी इन्ग्रीडियंट है उनका कलर इसमें आ गया, उसकी दुनिया तो इसमें आ गई है। ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना हेयर ऑयल कलर कलेक्ट कर लिया है। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है कोकोनट ऑयल का, क्योंकि इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स का भी गुडनेस है। आप अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर से ऑयल निकाल लीजिए। बस आपका हेयर ऑयल रेडी है। तो इस हेयर ऑयल में लास्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। मैंने उस टाइम पे यूज़ नहीं किया था तो इसमें अब मिला दे रही हूँ कैस्टर ऑयल और हमारा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद आपको तो पता ही है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में कितनी अच्छी स्मेल होती है। आपका जो ऑयल है हेयर ऑयल काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल के साथ में तैयार होगा। और ये है हमारा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसकी कुछ ड्रॉप है इसको अच्छा बना देंगी। और ये हमारा मैजिकल हेयर ऑयल रेडी है फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा इसे यूज़ करने के बाद आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।